हेलो एवरीवन। सो आप लोग जो ये कुर्ता देख रहे हैं तो इसी में मैंने स्कर्ट को ठीक किया है। तो इससे पहले क्या था, मैंने इस साड़ी को ठीक जो आप लोग देख रहे हैं तो इसको शॉर्ट्स मैंने डाल दिया है। और यकीन नहीं है तो देख लीजिए इसकी कत्तर जो कि मैंने काट के निकाली है। इसकी ना लेंथ बहुत ज़्यादा थी तो मैं इसे बांध नहीं पाती थी, तो मैंने ये रेडीमेड बना लिया है ये साड़ी, मतलब प्लेट डालकर इसमें बेल्ट लगाकर। तो अब बांधने में दिक्कत नहीं आती है और इतना ज़्यादा मतलब इसका अर्ज ज़्यादा था तो इसलिए। तो आप लोग देख सकते हैं इस स्कर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेयर कम है। ये मैंने मिसो से मंगाया था जो कि आप लोग देख रहे हैं पिक यही है ये। लेकिन इसकी एक अच्छी बात है कि इसके साथ दुपट्टा भी आया था और सेम कपड़े का जो स्कर्ट में है वो भी कपड़ा इसमें लगा हुआ था। सो मैंने सोचा काफ़ी दिनों से पड़ा है, साल भर के करीब हो गया है, तो इन दोनों को मिक्स करके क्यों ना कुछ पहनने लायक बनाया जाए। क्योंकि हैवी है दुपट्टा, ओढ़ भी नहीं सकती मैं इसे, तो ये यूँ की यूँ ही रखा है। और जो स्कर्ट है ये मैंने दो चार बार पहना है सूट के साथ, अब मैं सलवार पहनती हूँ क्योंकि वो सूट की फिटिंग वगैरह मतलब ठीक नहीं लगती है। इसके साथ में उसका जो घेर है वो ज़्यादा है, तो इसमें मैंने दुपट्टा ले लिया और इसे अच्छे से बिछा लिया है। तो सिकुड़ गया है क्योंकि काफ़ी दिनों का यूँ ही रखा है। और दुकान पे भी मैंने कई दिनों पहले ले जाकर रखा था कि इसका कुछ करूँगी, क्योंकि आइडिया तो मेरे पहले से ही आ रखा था दिमाग में। तो पहले इसकी लेंथ नापनी है, जितनी भी इसकी लेंथ है मतलब इसकी रबड़ छोड़ देंगे हम, रबड़ से नीचे लगाएंगे और वहाँ से हमें लेंथ नापना है और नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे आधे इंच दुबेड़ने के लिए। सो मैंने वो आधे इंच ज़्यादा लिया है और इसे हम सिलाई लगा देंगे नीचे की साइड दुबेड़ कर एक्स्ट्रा पे। तो पहले मैंने आधे दुपट्टे को इसकी लेंथ के अनुसार काट लेना है, जितनी इसकी लंबाई है उतने पर मुझे चारों तरफ निशान लगाने हैं और इसको काट लेना है। और काटने के बाद में इसमें से कलियाँ काटनी है। कलियाँ तो आप लोगों को आती होंगी काटना, और मैंने इसे यूट्यूब पर सर्च करके देखा था कि रेडीमेड स्कर्ट को का फ्लेयर कैसे मतलब बढ़ाएं, तो उस पर कोई वीडियो वगैरह मुझे नहीं मिली। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ, जिससे कि हाँ किसी के तो काम आएगी। और जो वीडियो यूट्यूब पर नहीं होती है ना वो ही मैं ज़्यादातर शेयर करती हूँ, क्योंकि आइडियाज़ नई न्यू देने चाहिए, जो होते हैं उनको देखकर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मैंने इसे काट लिया है और काटने के बाद में इसे दुल्लर करके बिछाया है, डबल कल करके बिछाया और एक साइड से निकाल दिया है, तिकोना काट दिया और इसके बाद में दो कलियां बन गई हैं। और इसमें से बीच में से काट लेना है और फिर इसे एडजस्ट कर लेना है, इसी तरह से इधर से भी तिकोना मतलब तिरछा काट लेना है। तो मैंने सीधा काटा है, अभी एक साइड से निकाल दूँगी मैं सिलते टाइम, जिससे कि बड़ा छोटा नहीं हो और एक अच्छे से आ जाए इसका शेप। तो इसके बाद में इसकी स्कर्ट को भी काट लेना है, मतलब यदि आपके स्कर्ट में सीमन वगैरह हो तो उसको निकाल लेना है, जैसे कि मेरे में एक ये है तो एक मैंने निकाल ली थी और इधर उधर से कट लगा लिए थे। सो सीधा कैंची उठाना है और कट लगा लेना है, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें। और मैंने आगे पीछे कट लगाए थे और साइडों में, क्योंकि मुझे चार ही कलियाँ जोड़नी थी, ज़्यादा जोड़नी होती तो मैं ज़्यादा लगा लेती और बड़ी कलियाँ भी बना सकती थी, बट मुझे ज़्यादा इतना भी ज़्यादा फ्लेयर नहीं चाहिए, मुझे मीडियम ही चाहिए जो कि सूट के संग पहन सकूं। तो ये ले लिया है, आप लोग देख सकते हैं इसमें चारों कट लग चुके हैं और इस पर बस सिंपल सी सिलाई करनी है। और सिलाई करने के बाद नीचे से जो एक्स्ट्रा है उसे दुबेड़ का सिलाई कर देनी है। तो ये मेरा हो चुका है फाइनल, अब मैंने लगा लिया। आप लोग देख सकते हैं जो ये लेस है पतली सी जो दिख रही होगी आप लोगों को, तो ये कली की जगह है जहाँ पे लेस नहीं है, जहाँ पे मैंने लगाया देखिए काफ़ी अच्छा फ्लेयर हो चुका है। तो जो ये लेस आप लोग देख रहे हैं, या तो आपके पास हो तो ये टुकड़ा लगा लीजिएगा, नहीं हो तो ये सारी भी हटा दीजिएगा, और नहीं है तो ऐसे ही रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो बोल रही हूँ कि कॉमेंट बॉक्स में बताना मुझे कॉमेंट करके। तो आप लोग देख सकते हो फ्लेयर इसका काफ़ी अच्छा आ गया था, मैंने पहनकर ट्राई करके भी बताया आप लोगों को। और यह है जो कि दुपट्टे का कपड़ा बचा है आधा, इससे हम टॉप भी बना सकते हैं, ब्लाउज भी बना सकते हैं और जो बनाना चाहें स्कार्फ भी बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्यारा कपड़ा है, कपड़ा बहुत अच्छा आया था इसका, दोनों तीनों चीज़ों का। और अंडर 500 की है, ज़्यादा की है नहीं ये ड्रेस, और एक साल नहीं दो साल पहले की है शायद, 2-1.5 साल होगी मेरे को मंगाए हुए। तो चलो इसे ट्राई करके देख लेते हैं। और ये मैंने जादू से पहन लिया है,
तो इस ये कुर्ता मेरे पास में रखा था और तो इसी पे मैंने पहन कर बता दिया, क्योंकि इस पे मैंने 15 अगस्त मेकअप लुक भी किया था, तो मैंने सोचा कि अभी ट्राई कर लेती हूँ। तो आप लोग देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और एक और बात बताऊँ आप लोगों को, यदि आप स्कर्ट के साथ में कुर्ता वेयर कर रहे हैं तो उसमें ना कुर्ता थोड़ा लेंथ ही लीजिए और उसका जो ये घूम होता है ना ये बहुत कम लीजिए, मतलब आगे की जो सूट की आगे की साइड होती है जिसे झोली बोलते हैं वो कम लीजिएगा, क्योंकि तभी अच्छा सा खुल के लुक आता है, तभी स्कर्ट का जो फ्लेयर है वो दिखता है। मेरा आप लोग देख सकते हैं कम है, लेकिन और भी 1-1 इंच कम होना चाहिए था, मतलब दोनों साइड से 2 इंच तो बहुत अच्छा आता है। और ये कुर्ता मैंने अपने हाथों से बनाया है, एक बेकार से पड़े हुए कपड़े